माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम फ्रॉम वडोदरा गुजरात। मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम से रही है और इनिशियली मेरे बाल काफ़ी घने और अच्छे हुआ करते थे, बट मैंने कभी उस चीज़ की केयर करी नहीं कभी। तो हेयर फॉल मेरा स्टार्ट बहुत अर्ली एज में हो गया था। आई थिंक इट्स बीन 10 ईयर्स आई गेस 17-18 की एज में हल्के फुल्के हेयर फॉल मेरे को फील हुआ कि मेरे बाल गिर रहे हैं, बट उस टाइम पे मैंने केयर नहीं किया बिकॉज आई यूज टू हैव अ वेरी थिक एंड डेंस हेयर एट दैट टाइम। सो फिर उस चीज़ को मैं इग्नोर करता रहा। यही था कि कितने ही टूटेंगे जब मेरे बालों में उंगलियां ढंग से नहीं घुसती हैं, तो फिर ऐसा कुछ सीन था मेरा। तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा उस चीज़ को कि ये बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर मैंने हेयर एंड देयर कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करी, कुछ मेडिकेशंस ली, बट उसको मैं कंटिन्यू नहीं करता था लंबे टाइम तक। थोड़े टाइम मैंने लिया एंड ये चीज़ें रही, तो मेरा हेयरफॉल कभी रुका ही नहीं एंड उस वजह से ये चीज़ें बढ़ती गई। फिर हेयर थिनिंग भी होने लगी, फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड करने लगी और अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है टू करेक्ट माई हेयर लाइन और जो भी मेरा फ्रंटल हेयर लॉस हुआ है और जो हेयर उसको सही करने के लिए मुझे लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत है, अदरवाइज़ फिर ये और ख़राब होता जाएगा। सो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है क्योंकि अभी मेरे एज़ पर माय वो कि मेरे जो डोनर एरियाज हैं थोड़े अच्छे हैं जिससे अच्छी डेंसिटी मुझे मिल सकती है, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। सो आई जस्ट केम टू नो अबाउट दिस क्लिनिक थ्रू यूट्यूब, तो और मुझे एक दो लोगों ने और रिकमेंड किया कि ये क्लिनिक में जाओ और काफ़ी सही यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रीटमेंट होता है। सो आई कॉन्टेक्टेड दिस क्लिनिक आई थिंक 3 ईयर्स बिफोर। तो मैंने तभी मैं उस टाइम में प्लान कर रहा था, बट फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली कुछ चीज़ें हुई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और भी कई सारी चीज़ें थी, तो ड्यू टू ऑल दोज थिंग्स ये डिले हो गया एंड फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। एंड देन अगेन अभी रिसेंटली मैंने इन लोगों को कॉन्टैक्ट किया एंड देवर ठीक है कोई बात नहीं, आप आके करा सकते हो। सो बस मैं आया और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मैं ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। लेट्स सी ये चीज़ें कैसे होती हैं और आगे जो जैसा भी होगा। अगर मैं अपने हेयरलाइन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी रिसीड कर गई हैं। जो मेरे फ्रंटल हेयर जो मेरी एक्चुअल हेयरलाइन थी वो यहाँ तक हुआ करती थी, यहाँ तक, और फिर अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी सारा यहाँ पे आपको हेयर लॉस दिखेगा। एंड यहाँ पे मेरा क्राउन भी काफ़ी यहाँ के भी बाल जो हैं यहाँ से भी गिरे हैं, बट और जो अभी एग्जिस्टिंग हेयर है उसकी थिनिंग काफ़ी हो चुकी है। सो इनिशियली जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था तो जो भी एक हेयर फॉल प्रॉब्लम के लिए जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मिनोक्सिडिल, बायोटिन, साथ में जो चीज़ें होती हैं ये मल्टीविटामिन, डर्मा रोलर, आई यूज ऑल दीज थिंग्स, बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि मैंने उसको उस चीज़ को लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं रखा। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हुई, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल की भी अगर चेंजेस की वजह से। इनिशियली आई वॉज हैविंग गुड डाइट, बट देन अगेन आई वेंट टू माई कॉलेज एंड देन वहाँ पे हॉस्टल का मेस इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, सो दैट हम लोग बाहर जाके कुछ भी खाते थे, कोई वो नहीं था, तो आई डोंट थिंक कि हमें अच्छी डाइट वहाँ पे मिल रही थी। सो एक तो डाइट का बहुत बड़ा मुझे लगता है असर पड़ा, और बाई प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, सो जब मैं कॉलेज में हुआ करता था उस कॉलेज लाइफ आई थिंक हर एक आर्किटेक्ट की वैसी ही होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर काफ़ी टाइम हमें देना पड़ता है। तो रात को एक अच्छी स्लीप मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पे तो हमें पता नहीं चला कि शायद ये चीज़ें ऐसी हैं, बट वो चीज़ कंटिन्यूड रहे अभी तक मेरी स्लीप साइकिल इतनी सुधरी तो नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट।
तो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द रीजन मेजर रीजन बिहाइंड दैट द वन वॉज कोई डाइट मेरी अच्छी इतनी अच्छी नहीं थी और द अदर वन वॉज जो मेरी स्लीप साइकिल ख़राब हो चुकी थी पूरी तरह से तो आई थिंक दीज टू वर द मेजर रीज़न और साथ में मेरा हाँ वो जेनेटिक जो मेरा है इशू मेरे फैमिली से तो वो भी है कहीं ना कहीं वो तो खैर आएगा ही प्ले में तो ये चीज़ें थी फिलहाल हेयर फॉल के जो पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनमें एक बहुत बड़ा वो देखने को मिलता है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं फोटोज़ क्लिक नहीं कराते या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स उनमें ऐसी चीज़ें उनमें बेसिकली देखने को मिलती हैं बट मेरे केस में ऐसा कुछ कभी था नहीं और अभी भी आज भी नहीं है और इनफैक्ट अगर मैं पूरा बाल भी हो जाता हूँ पूरा गंजा भी हो जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि चलो अगर मेरे बाल नहीं रहेंगे तो इनकेस अगर कभी मैं यू नो मेरे को अभी मन हुआ बाल बढ़ाने का या कुछ भी करने का तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि आज के टाइम पे भी या फिर इसके पहले भी मैं हेड सेव करा के घूमता फिरता रहता हूँ तो आई डोंट फील एनीथिंग बैड अबाउट इट बट हाँ अगर मेरे पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी हेयरलाइन सुधार सकता हूँ तो क्यों ना सुधारूँ सो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई केम हेयर आई एम एक्साइटेड नॉट आई वुड नॉट से नॉट फॉर द प्रोसीजर बट या उसके लिए भी हूँ और उससे कहीं ज़्यादा मैं रिजल्ट के लिए एक्साइटेड हूँ जो कि अभी तो फिलहाल नहीं दिखेगा इट विल टेक टाइम और हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस में लाइक यू कैन नॉट गेट रिजल्ट विद इन अ डे टू डे या फाइव डे टेन डेज इट विल टेक मंथ्स सो आई सी कि ये चीज़ें कैसे जाती हैं और आई एम होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट फ्रॉम QHT अभी मेरी यहाँ पे कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ बाकी है अभी उनसे मिलने के बाद जो भी एक्सपीरियंस होगा या फिर जैसे भी जितने भी ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी वो एक फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद जो वो सजेस्ट करेंगे तो फिर हम उसके लिए जाएंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वीडियो के इसी वीडियो में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेंगी आगे वीडियोस में तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हेलो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा फाइनली मेरा प्रोसीजर जो ट्रांसप्लांटेशन का था वो पूरा हो चुका है एंड टुडे इज लास्ट डे ऑफ माय सर्जरी सो ये पूरे दो दिन चला है कल और आज और टोटल 4700 के अराउंड मेरे ग्राफ्स लगे हैं जिसमें से कल लगभग ऑलमोस्ट 1700 ग्राफ्स इम्प्लांट हुए थे और आज कुछ 3000 के अराउंड इम्प्लांट हुए हैं सो आई एम होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट स्टाफ वॉज प्रीटी गुड डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया वो सारी चीज़ें करी सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रंटल एरिया काफ़ी वीक हो चुका था मेरी फ्रंटल हेयरलाइन रिसीव हो चुकी थी सो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेंसिटी में हाई डेंसिटी में यहाँ पे ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं उसके बाद और मेरा मिड स्क्रैप जो है वहाँ पे थोड़े बाल हुआ
थे जिसके लिए यहाँ पे बस हल्की एक फिलिंग करी गई है, एंड देन अगेन यहाँ पे जो मेरा क्राउन एरिया है वो भी थोड़ा हल्का हो गया था और यहाँ पे काफ़ी थिनिंग थी, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे ग्राफ्ट यहाँ पे इम्प्लांट किए गए हैं। इसके साथ साथ मेरे दोनों टेम्पल्स भी रिसीड हो रहे थे, तो आई थॉट कि इसको भी करेक्ट करा लिया जाए, तो इसके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स से हमने बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है दैट कैन बी डन। सो यहाँ पे मेरे टेम्पल्स भी काफ़ी आई थिंक काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं दोनों, अगर आप देखें यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एंड उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करी समझने में ये पूरा ये जो भी ये प्रोसीजर है और पोस्ट सर्जरी जो केयर है उसके भी जो भी इंस्ट्रक्शंस थे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से बताए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझ पे आती हैं अब, तो आई टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ऐसा मुझे लगता है। सो आप लोगों को मैं अपना डोनर जो जहाँ से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए गए हैं वो एरियाज दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बियर्ड, यहाँ से मेरे बियर्ड के कुछ ग्राफ्स लिए गए एक्सट्रैक्ट किए गए। सो अगर दूसरे डोनर की बात करें तो ये मेरा बैक, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेफ जोन कहा जाता है वहाँ से बहुत सारे ग्राफ लिए गए हैं, क्योंकि पूरी तरह से आप देख सकते हैं विजिबल होगा अभी, और बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। और मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को क्यूएसडी रिकमेंड करूँगा अगर आप भी हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो, एंड आई थिंक ज़्यादा इधर उधर की मेडिकेशंस और इफ़ यू कैन नॉट डू दैट मच केयर, और अगर आप हेयर फॉल से वो कर रहे हो सफ़र कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट, एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू यू नो रीगेन योर हेयर। नहीं तो फिर ये रीग्रोथ, हेयर रीग्रोथ के चक्कर में पड़ के आप परेशान होते रहोगे। आई थिंक यू शुड ट्राई, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद क्यूएसटी वाज क्वाइट गुड, एंड बहुत जल्दी ही मैं यहाँ पे अगले पीआरपी सेशंस या फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। एंड थैंक यू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।